भगवान राम रथ में सवार होकर निकले नगर भ्रमण पर। शीतलहर के बीच रामलहर में झूमे भक्तगण। खबर कराहल से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन को लेकर सारे देश में खुशी का माहौल है। हर जगह त्योहार बनाए जा रहे हैं। इस खुशी में श्योपुर जिले के कराहल तहसील में भी भगवान राम के स्वागत में नगरवासी बड़े ही उत्साहित हैं। इस उत्साहित लम्हों को यादगार बनाया जा सके, इसके लिए सभी हिंदू संगठन कोई ना कोई नवाचार रोज कर रहे हैं। आज कराहल में लोगों ने अपने घरों पर झंडे लगाए और बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली है। वहीं शोभा यात्रा में आतिशबाजी, ढोल, डीजे, बैंड के भजनों की धुन पर लोग नाचते झूमते चल रहे थे। वहीं जय राम के नारों से पूरा नगर गुंजायमान हो गया। नगर में जगह जगह रथ का स्वागत किया गया। मंगल आरती करने के साथ साथ पुष्प वर्षा की गई। जगह जगह राम भक्तों ने रथ के साथ चल रहे भक्तों के लिए तरह तरह के मिष्ठान प्रसाद रूप में वितरित किए गए। चाय पानी की व्यवस्था की गई। भव्य जुलूस के दौरान सभी मंदिरों और मुख्य मार्गों पर लाइटिंग और सजावट कर दी गई थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कराहल आज अयोध्या नगरी हो गई हो। बता दी कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जो कि कई वर्षों से टेंट में थी, अब कड़े संघर्ष के बाद कहीं जाकर ऐसा समय इस पीढ़ी को देखने को मिल रहा है कि राम अपने महल में वापस आ रहे हैं। धन्य है वे आंखें जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राण वाले दिन भी कराहल में राम भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया एवं रात्रि में भजन संध्या और सुंदर कांड की प्रस्तुति भी रखी गई। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरसों पुरानी तपस्या थी वो सफल हो रही है, राम मंदिर बन चुका है। कल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत वर्ष में बहुत हर्षोल्लास से राम जी का वो मनाया जा रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, पूरे भारत में बहुत खुशी का माहौल है आज। पुरानी हमारी जय भगवान राम जी का मंदिर है जो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है जो सफल हो गई, और पूरे देश में दीपावली की तरह माहौल है। जगह जगह भगवान श्री राम का रथ निकाला जा रहा है और घर में भी दीपक जलाए जाएंगे, द्वार पर बंदरवार लगाए जाएंगे, और जब तक श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी जब तक मैं मेरे घर में घी का दीपक जलाऊंगा। और बहुत खुशी की बात है जे हमारे सामने जे श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, इसलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। हमारे सभी संतगण, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल 11-12 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान की होगी। उस उपलक्ष्य में सारे देश में रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस प्रकार से आज कराहल में भी गणेश मंदिर से लेकर के पूरे शहर में रथ यात्रा, श्री भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है। उस हर्षोल्लास के साथ पूरा नगर आज हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है और बिल्कुल जोरों से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, ये बहुत लंबे समय से जो राम भक्तों को इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियाँ 500 वर्षों के बाद आज पूरी होने को जा रही हैं। कार सेवकों ने लंबे समय जो अपना बलिदान दिया, कार सेवा के माध्यम से जो बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, उसी के कारण आज ये खुशी का अवसर इस देशवासियों को देखने को और मनाने को मिल रहा है। इसी तारतम्य में आज हमारे ग्राम कराहल में भी सभी मंदिरों पर राम भक्त बड़े जोर शोर के साथ में इस आयोजन को, और मैं तो कहूँगा ये भव्य आयोजन मना रहे हैं, और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं, रामधुन चल रही है, कहीं सुंदर कांड का आयोजन चल रहा है तो कहीं हनुमान चालीसा का आयोजन चल रहा है, और चारों ओर राममय वातावरण इस वक्त देश में हो रहा है। उसी कड़ी में हमारा कराहल भी आज पूरी तरह राममय हो चुका है। जय जय श्री राम। ये हमारे श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हम सभी नगरवासी मिलकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही भाईचारे के साथ, और बहुत ही हमारे धार्मिक जो हमारे ये
धार्मिक प्रण था, उस प्रण को आज हमारा साकार होने को जा रहा है। उसके लिए आज हम सब लोग बड़े बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आयोजन ये है कि बरसों पूर्व आज ऐसा मौका आया है, 400-500 सालों बाद 1526 के बाद में हमारी दुर्दशा शुरू हुई थी, जो आज ऐसा मौका आया है कि हम उस कलम को दो पा रहे हैं। राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर पूर्ण हो गया है और आज जो भव्य यात्रा निकाली जा रहा है साजबाज के साथ में और भरपूर उत्साह के साथ में ये यात्रा हो रही है। जनता का जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक है। इतना ज़्यादा उत्साह अभूतपूर्व, अकल्पनीय, आशातीत, अद्भुत। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम मैंने आज तक कराल के इतिहास में नहीं देखा है। जनता का जो उत्साह है वो वाकई में देखते बनता है। पूरा कराल, यद्यपि पूरा देश ही है, विशेषकर कराल तो इस समय पूरा राममय हो गया है। चारों तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तैयारियां 500 वर्षों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज बड़े उत्सव से दो चार दौर से अपन चल रहे थे तो बग्घी मंगवाई, झल्लर लगवाई, जगह जगह लोग आए, खूब उत्सव से जब मनाया जा रहा है। भगवान राम की 500 प्रतीक्षा से अपन कर रहे थे और आज बड़े धूमधाम से पूरे नगरवासी और प्रसादी वितरण हुए, जगह जगह भंडारे भी लगाए, कचौड़ी बटी, प्रसादी बटा, अच्छे से सब लोग कपड़े पहन के धूमधाम से और रथ यात्रा निकाली है। अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहना चाहते हो, कितना संघर्ष रहा होगा इस उपलक्ष्य को पाने के लिए? 500 वर्षों में जाने कितने बलिदानी हुए, बहुत संघर्ष किया है, क्या बताएं, वो देख भी नहीं पाए बेचारे जो वर्षों से चले गए, और कार सेवा में जाने कितने लोग मारे गए हैं और उनकी सेवा आज सफल होने जा रही है। भगवान राम आज टाट से ठाट में पहुंच रहे हैं, पहले टाट में बैठे हुए थे और आज ठाट में बैठेंगे, महलों में पहुंच गए भगवान राम, बहुत अच्छे से विराजमान हो रहे, सब पूरे देश में उत्साह है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रभु श्री राजा राम महलों में जा रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।